नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2020 में मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में पहला मैच खेला जाएगा। दोस्तों उस मैच में क्या होने वाला है, मौसम का हाल, पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11 दोनों टीमों की संभावित बताऊंगा। लेकिन आप आईपीएल 2020 को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के खौफ के बीच दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 13 के सीजन की शुरुआत शनिवार से होगी, जिसमें एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी के शांत रवैये, विराट कोहली की आक्रामकता और रोहित शर्मा की कप्तानी पर सभी की नजरें होगी। डिफेंडिंग चैंपियन रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस का सामना पहले मैच में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। भारत में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के कारण टूर्नामेंट यूएई में खेला जा रहा है और मैदान में दर्शक नहीं होंगे। कठिन हालात में सिनेमा और क्रिकेट के लिए तरस रहे दर्शकों के लिए यह आईपीएल खास रहेगा। आइए नजर डालते हैं कि अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट और शहर के मौसम पर, जहां आईपीएल का आगाज होना है। अबू धाबी में कैसा रहेगा मौसम? तो दोस्तों अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले आईपीएल 2020 के मैचों में बारिश की वजह से रुकावट का कोई मौका नहीं होगा। गर्मी अधिक होने की वजह से शाम के वक्त का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और ह्यूमिडिटी का स्तर बहुत अधिक होगा। अब दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात करें तो अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम के पिछले 10 सालों में 45 T20 मैचों की मेजबानी की है, जहां टॉप स्कोर 225 पर 7 विकेट रहा है। पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी रहने वाली है, लेकिन स्पिन गेंदबाज यहां अक्सर बल्लेबाजों पर हावी रहते हैं। अबू धाबी में खेले T20 मैचों में औसत रन रेट 7 का रहा है, दर्शाता है कि 150 से ऊपर का आसानी से स्कोर बनाया जा सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो लाइव स्ट्रीमिंग में आप आईपीएल का मजा स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर ले सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो डिज्नी हॉटस्टार वीआईपी पर ऑनलाइन मोबाइल पर लुत्फ ले सकते हो आईपीएल 2020 का। तो दोस्तों दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें तो पहली टीम है मुंबई इंडियंस। दोस्तों मुंबई इंडियंस के संभावित प्लेइंग 11 की बात करें, ओपनिंग कर सकते हैं रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, इसके बाद नंबर 3 पर आएंगे सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर ईशान किशन, नंबर 5 पर कृणाल पंड्या, नंबर 6 पर हार्दिक पंड्या, नंबर 7 पर किरण पोलार्ड, नंबर 8 पर नेथन कुल्टन नाइल, नंबर 9 पर राहुल चाहर, नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 11 पर ट्रेंट बोल्ट आ सकते हैं। दोस्तों अब चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपनिंग कर सकते हैं शेन वॉटसन और फाफ डुप्लेसिस, इसके बाद नंबर 3 पर अंबती रायडू, नंबर 4 पर एमएस धोनी, नंबर 5 पर केदार जाधव, नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 7 पर ड्वेन ब्राव, नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर, नंबर 9 पर पीयूष चावला, नंबर 10 पर दीपक चाहर और इमरान ताहिर नंबर 11 पर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की और आईपीएल की खबरें लेकर आता रहता हूं।